हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। ये जैसे आप देख ही रहे हैं, मेरे पास फोर टाइप्स के मटेरियल है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहता हूँ कि ये फोर गार्डन लवर्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये बेस है। अगर आप अपने प्लांट्स को हेल्दी और लॉन्ग लाइफ देना चाहते हैं और बहुत ही अच्छे उनको ग्रोन करना चाहते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ये फोर टाइप्स का मटेरियल है मेरे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल गार्डन सॉइल, वर्मिंग कंपोस्ट, सैंड और ये राख। मैं आपको बताता हूँ इनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं अगर आप ये सबको मिक्स कर कर अपने पॉट्स में लगाएंगे तो। पॉट्स में इनके थ्रू आप अपने प्लांट्स को उगाएंगे। पर ये देखिए, हमें सोइल तो चाहिए होगा, ये गार्डन सोइल है मेरी। वर्मी कंपोस्ट है, मैंने खुद घर में ये बनाई है गोबर से। ये गुड़ोई वाली खाद है वर्मी कंपोस्ट, ये बहुत ही अच्छी होती है। इसको ना कोई फंगीसाइड नहीं लगता है इसको, ये बिल्कुल ही इसमें कोई स्मेल भी नहीं आती है और बहुत ही यूज़फुल होती है। ये आपके सॉइल को सॉफ्ट रखती है और इसके साथ जो भी, जैसे हम ह्यूमंस को विटामिन्स मिनरल्स की ज़रूरत होती है, ऐसे ही आपके प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी है। और आप इसका और बेनिफिट है, इसको आप समर में भी दे सकते हैं बिकॉज ये गर्म नहीं होती है, आपके प्लांट्स के रूट्स को कोई भी हार्म नहीं पहुँचेगा। और सेकेंडली सैंड जो होता है, ये वाटर को पानी में बनाए रखता है, ज़्यादा ड्राई नहीं होने देता है और ये मिट्टी को भी सॉफ्ट रखता है, जिसके रूट्स बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ होती है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे देख रहे हैं आप राख, ये अगर आप सिटीज़ में रहते हैं तो आपके पास वाले होटल्स या ढाबे में मिल सकती है, वहाँ से आप ले आइए, 1-2 kg ले आइए। बहुत होती है, ये हल्की होती है, क्वांटिटी में काफ़ी आ जाएगी। ये क्या होता है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कैल्शियम होता है। अगर आपने शिमला मिर्च या कोई मिर्च लगा रखी है, बैंगन्स लगा रखे हैं अपने घर में, तो ये उनको बहुत ही अच्छी तरह से हेल्दी ग्रोन होने के लिए हेल्प करता है। उनके जो लीव्स हो जाते हैं, आप देखें कई बार श्रंक हो जाते हैं, तो ये ज़्यादा कैल्शियम देता है और इससे फंगस भी नहीं लगता है। ये फंगीसाइड का भी यूज़ बहुत अच्छा है। इसके साथ क्या होता है, आपके प्लांट्स को कोई फंगीसाइड उनके रूट्स को नहीं लगता है। और एक और चीज़ है जो मेरे पास अभी नहीं थी, आप स्टोन्स भी यूज़ कर सकते, बारीक वाले स्टोन्स, उससे भी आपकी बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में 5-10%, जैसे आप देख रहे हैं 50% मेरे पास सॉइल है, 20% मैंने वर्मी कंपोस्ट ली है। बस आप डिवाइड कर लीजिए इनको, 50% सॉइल होनी चाहिए, 50-60%। और आप स्मॉल, ज़्यादा बड़े वाले स्टोन्स मत यूज़ करें बिकॉज ज़्यादा बड़े वाले करेंगे तो रूट्स को प्रॉब्लम होगी ग्रोन होने में। स्मॉल वाले आप स्टोन्स यूज़ करेंगे, उसके साथ आपके जो रूट्स होते हैं प्लांट्स के, वो बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोन होते हैं बिकॉज मिट्टी सॉफ्ट रहती है। और उसके साथ क्या होता है, वो भी पानी को बनाए रखने में हेल्प करता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप इन 5 things को ज़रूर मिक्स करें। ये 5 materials बहुत ज़रूरी है, मेरे पास फ़िलहाल 4 ही हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैंने नए प्लांट्स लिए थे कल और मैंने उन सबको ये 4 चीज़ें मिलाकर, प्लस मैंने स्टोन्स भी मिलाकर पॉट में लगाए हैं। मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, मैंने आज ही इनको ट्रांसप्लांट किए और ये एक रह गया है, और ये 2 और है। मैं नेक्स्ट वीडियो इसके लिए बनाना चाहता हूँ। ये देखिए मेरे पास ये गुआवा है, ये चाइनीज़ गुआवा है, इसको बहुत ही छोटे छोटे गुआवास लगते हैं, इसे चाइनीज़ गुआवा कहते हैं। ये देखिए मैंने आज ही इनको पॉट में ट्रांसप्लांट किए और मैंने वो 5 materials यूज़ किए, इसलिए मेरे पास अभी स्टोन्स नहीं है। तो आप ये चारों मटेरियल तो यूज़ करें, अगर आपके पास स्टोन्स नहीं है तो सैंड बिल्कुल यूज़ करें। स्टोन्स के बिना भी चल जाएगा, बट सैंड बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आप ये राख मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, आपकी रूट्स, प्लांट्स की रूट्स बहुत ही अच्छी रहेंगी। इनको सब को ऐसे बस कर लें, हो सकता है आप इनको सारे को मिक्स करने के बाद आप छान भी सकते हैं।
या आप पहले छान लें या बाद में छान लें, इससे क्या होगा, कई बार क्या होता है बहुत ही, ये देखिए जैसे बड़े बड़े स्टोन से ये सारे छानने के बाद आपकी जो मिट्टी है बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है। बट मेरी ये जो सॉइल है, गार्डन सॉइल, ये बहुत ही अच्छी गार्डन सॉइल है, मैंने इसको सुखा कर रखा हुआ था। ये देखिए आप, इसमें थोड़े थोड़े रूट से पहले जो प्लांट्स प्लांट था उसको पोट में से मैंने निकाल के इसको सुखा दिया था 2 दिन के लिए। और हाँ, अगर आपके पास कोई सॉइल है, जैसे पॉट का सॉइल है, आफ्टर 2 ईयर्स के बाद जब आप प्लांट को, जैसे सेंगोनियम को आफ्टर 2 ईयर्स के बाद उसको रीपोट करना होता है, ट्रांसप्लांट कर दीजिए पुराने वाले गमले से, फिर आप उस सॉइल को फेंकिए मत, 2 to 3 डेज के लिए उसको क्या करें, आप धूप में रख दीजिए, उसके बाद आप उसको छान लीजिए, तो फिर यूज़ करने के लिए हो जाता है, उसको कुछ नहीं होता है। बट आफ्टर 2 ईयर्स के बाद सिंगोनियम हो गया, मनी प्लांट हो गया, अगर आपने सॉइल में लगा रखा है, और कई प्लांट और इंडोर, स्पेशली इंडोर प्लांट्स, तो उनको आप ट्रांसप्लांट कर दीजिए नए पॉट में, या उसी पॉट की मिट्टी चेंज कर दीजिए, बिकॉज़ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज उनकी रूट्स काफ़ी फैल जाती हैं, फिर उन रूट्स को मुश्किल होती है, तो ये ट्रिक्स आप अपना लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके प्लांट के लिए। आपको फिर बाद में नहीं इतना प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपके प्लांट को क्यों फंगस लग रहा है। ये 4 थिंग्स तो प्लीज़ आप यूज़ करिए अपने प्लांट के लिए। तो थैंक यू फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में लिक्विड फर्टिलाइज़र और चाइनीज़ गुआवा में बनाने वाला हूँ, आप चाइनीज़ गुआवा की कैसे केयर करें, या जो कि विद इन 2 ईयर्स में आपको वो गुआवास देने लग जाएं। और लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत ही सस्ता पड़ जाता है, और गर्मी में लिक्विड फर्टिलाइज़र ही यूज़ करें, वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं आप, उसका कोई नुकसान नहीं है, बिकॉज़ वर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छी होती है, उसको फंगस भी नहीं लगता है और वो गर्म भी नहीं होती। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो।